बात इसमें ऐसा है कि ईटानगर में अभी कोरोना केसेस काफ़ी हद तक बढ़ गया है, और जानने में ये आया है कि बहुत जगह को अभी जैसे एसपी ऑफिस है और कोई कोई दुकान कोई जगह है जिसको अभी कंटेनमेंट में रखा गया है। इस हिसाब से ये बात सही है कि हमारे यहाँ के लोग सभी को डर महसूस हो रहे हैं कि ईटानगर से अगर लोग इस तरह से आएंगे तो वहाँ से अगर किसी को बीमार ऑलरेडी इन्फेक्टेड कोई आ जाएगा, हमारे साथ मिक्सअप होगा, तो यहाँ भी बहुत जल्दी फैलने का डर है, और कम्युनिटी में अगर फैल गया तो इसको रोकने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो बात दरअसल ऐसा था कि हम लोग सरकार के डायरेक्शन के हिसाब से हम बाहर से आने वाले, हमारा स्टेट के बाहर से आने वाले सभी को हम लोग कंपल्सरीली चेकिंग करते हैं, और साथ में चेक करने के बावजूद भी हम उसे क्वारंटाइन में रखते हैं। क्वारंटाइन में रख के हम फिर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेके निगेटिव होने के बाद ही तभी हम लोग फिर होम क्वारंटाइन में भेजते हैं। लेकिन जहाँ तक अपने स्टेट के सवाल है, ईटानगर की बात है, सरकार की तरफ से यही निर्देश है कि हम अपने स्टेट वालों को इस तरह का ट्रीटमेंट या चेकिंग ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल चेकिंग है वही हम करके उनको होम क्वारंटाइन में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम यही विश्वास में ऐसा करते हैं कि हमारे स्टेट वाला जो बाहर से नहीं आए हैं उनके पास ये बीमार नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से बीमार फैल रहे हैं ईटानगर में, हमारे ईटानगर वासियों को भी लग गए हैं, ऐसा केस में हमारा लोगों का डर और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डर बिल्कुल जायज़ है। अगर ईटानगर से इस तरह से बहुत लोग यहाँ आएंगे तो डर हमारा यही है कि किसी के पास भी बीमार हो सकता है और यहाँ फैल सकता है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ईटानगर से जितने भी लोग आए हैं उनको हमने रिटेन इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया, लेकिन हमने एडवाइस यही किया कि जो भी ईटानगर से आ रहे हैं वो यहाँ के पब्लिक से मिलना जुलना न करें और अपने ही घर में आके बैठें, और नॉट एग्जैक्टली होम क्वारंटाइन लेकिन होम क्वारंटाइन जैसा वो अपने आप को कंट्रोल में रखें, पब्लिक के साथ मिक्सअप न करें, और अपना जो जिस पर्पज़ के लिए आया है वो आके काम करके चले जाए। और हमारा ये ईटानगर वासियों से विनती ये भी है कि अगर आपके पास इतना आलो में यहाँ वेस्ट सियांग में खास काम नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आप ना आए तो ही अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप आके अगर कोई बीमार लेके गलती से आ जाए अनजाने में तो ये हमारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रहे हैं कि ईटानगर वासी जो भी यहाँ आलो में अपने घर में या अपने रिलेटिव को मिलने या कोई काम से आए तो वे होम क्वारंटाइन जैसा सीमित जगह पर रहें, पब्लिक के साथ बिल्कुल करीब ना जाए। जो आपको SOP मेंटेन करना है, आपके सोशल डिस्टेंसिंग है और ये कंपलसरी आपका मास्क यूजिंग है, ये सब आप करें, और सैनिटाइजेशन बार बार करें, हाथ वगैरह धोना, और इसके साथ आपका यहाँ अभी लॉकडाउन के लिए आप लोग रुके हैं हमको पता है, लेकिन जैसे लॉकडाउन ख़त्म होते हैं आप लोगों से विनती है आप लोग ईटानगर चले जाइए और यहाँ वेस्ट सियांग वासियों को डरने मत दीजिए, क्योंकि उनका डरना भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ईटानगर का हाल जिस तरह है उसे हम लगता है। और आप लोगों से और दूसरी विनती यही है कि ईटानगर वासियों से कि आप लोग लास्ट टाइम भी दो दिन इतने लोग एक साथ आए हैं, हमारे पास कोई एडवांस खबर नहीं है कि आप लोग इतने लोग एक साथ आ रहे हैं, तो जैसे ही आपका लॉकडाउन शुरू होने वाले थे ईटानगर का, दो दिन इतने लोग आए हैं कि हम बहुत कोशिश किया कि हर एक को अच्छी तरह से चेकिंग करें, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। कोशिश ज़रूर हुआ है और चेकिंग ज़रूर हुआ है, लेकिन इस तरह का बातें भी निकलने लगा है कि कोई कोई किसी को अच्छी तरह से चेकिंग नहीं कर पाया,
या कोई कोई गलत एड्रेस दिया है और कोई कोई अपना फ़ोन नंबर भी गलत दिया है हमें तो चेकिंग गेट में, तो हमारा इस बात में कंप्लेन यही है कि आपको जो भी यहाँ वेस्ट सियांग में प्रवेश करते हैं आप सही एड्रेस दीजिए, सही पता दीजिए, सही नाम दीजिए, सही कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, क्योंकि अगर किसी के पास भी कोई किसी से भी गलती से अगर कोई ये बीमार अगर पता चलता है तो हमको ट्रैकिंग करना पड़ता है आपको आपको कहाँ मिलेंगे और आप किस किस को मिले हैं, सब हमको ट्रैक करके हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि हम जल्दी से जल्द ट्रैकिंग करके इसको नहीं रोकेंगे तो कम्युनिटी में पूरी तरह फैल सकता है। तो यही हमारा कंप्लेन हमारा जनता की है कि कोई कोई लोग बिना सही एड्रेस नहीं देके आलो में प्रवेश हुआ है, वेस्टर्न में प्रवेश हुआ है, तो हम ईटानगर वासियों से भी यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट है आप लोग ज़रूर आइए, आपके अगर कोई काम है तो ज़रूर आइए, लेकिन अगर काम नहीं है तो आप नहीं आए तो बेहतर है, हम जनता के हित में बोल रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आए भी तो आप सही एड्रेस दीजिए और सही जगह पर रहिए ताकि गलती से भी आपके पास अगर बीमार भी रहे तो हम बाकी लोगों को न फैलें। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ गेट में दिन रात सुबह शाम 24 घंटा काम करके हमारे जनता के सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए और इस बीमार से अपने आप को दूर रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप लोग भी साथ देना होगा और आप लोग भी अपने आप को भी बचा के रखिए, और जो ईटानगर में जिस जगह में अभी इस तरह से कोविड केसेस पाए गए हैं, पॉजिटिव केसेस, वहाँ अगर आप कोई गए भी तो आप वॉलंटियरली हमें बता दीजिए ताकि हम आपका ट्रैकिंग करें और आपका भी टेस्ट करें, और आपके लिए सिर्फ नहीं हमारे जनता के लिए भी और आपके लिए भी, अगर जल्दी से किसी को टेस्ट करके अगर बीमार भी पकड़ा जाए तो सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारा इलाज के लिए और जल्दी रिकवरी के लिए सुविधा होते हैं। तो इस हिसाब से हम चाहेंगे कि हम इस मीडिया के ज़रिए आप सभी को हम वही विनती करेंगे कि ईटानगर से जो अगर इस कुछ दिन पहले जिस तरह से आप लोग इतने भीड़ आए थे, अगर ऐसा आना होगा तो आप लोग प्रायर इंटीमेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दीजिए ताकि हम हमारे फोर्स हमारे मेन पावर और लगाएंगे, हमारे मशीनरीज और लगाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से चेकिंग करें, आपको आने जाने का सुविधा देख दे, आपको यहाँ अपने मंजिल पे पहुँचने का सुविधा देंगे। तो इसके साथ हम सभी को अनुरोध करते हैं कि हमारे ये जो COVID-19 फाइट जो है ये इतनी आसानी से अभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, तो हम इस लड़ाई में सबकी योगदान मांग रहे हैं, अभी भी मांगते हैं, और आप लोग योगदान देते रहिए। धन्यवाद।